सब्सक्राइब करिए नियति किचन को और प्रेस करिए बेल आइकॉन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति'स किचन। नियति'स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली आम पापड़ की रेसिपी। आम पापड़ ऐसी रेसिपी है जो बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी बहुत फेवरेट होती है। इसे आप बना के घर में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर एयरटाइट बॉक्स में करके। तो इतनी टेस्टी डिश है तो बनाना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो ऐसे ही आपके साथ में शेयर करने के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार आम ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने केसर आम लिया है। आपके पास जो भी आम हो आप वो ले सकते हैं। आम पका और अच्छा मीठा होना चाहिए। इसको अब अच्छे से हम छील के इसका पल्प निकाल लेंगे। तो मैंने सभी आम को छील के यहाँ पे पल्प निकाल लिया है। अगर आप वजन से देखेंगे तो 500 ग्राम के करीब पूरा पल्प है। अब हमें इसकी प्योरी बनानी है एकदम फाइन, लेकिन आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना पानी के अब मैंने यहाँ पे एक फाइन प्योरी बना के रेडी कर ली है, ये देखिए। सो प्योरी बना लेने के बाद एक बार अपनी प्योरी को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसमें कोई भी खड़े पीसेस ना हो मैंगो के या फिर उसमें रेशे वगैरह ना हो, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। या फिर अगर आपको लगे कि रेशे हैं या छोटे बहुत पीसेस होंगे तो आप इसको छान के भी बना सकते हैं। इसमें मुझे कोई पीसेस नहीं दिखे, कोई रेशेज नहीं थे, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बना रही हूँ। सो मैं मेरे मैंगो पल्प को इस पैन में ऐड कर दूंगी, इसी में मैं आम पापड़ बनाने वाली हूँ। सो इसको अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है, नीचे ही रख के अपने प्योरी को इसमें ऐड कर दूंगी। आप जिस बर्तन में बनाने वाले हैं उसमें ही ऐड करिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम शक्कर यानी शुगर, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है या कम मीठा है तो उसके हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 500 ग्राम आम में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम शक्कर यूज़ की हुई है। अब शक्कर को अच्छे से इसमें मिला देंगे। सो मिला लेने के बाद अब हम अपने जो आम पापड़ का मिक्सचर था उसको हम गैस पे रख देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम से लो के बीच में रखनी है। आपको मीडियम पे या फिर हाई पे बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना जो आम है वो नीचे चिपक सकता है। और दूसरी चीज़, आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, लेकिन अगर आप इसको लो से मीडियम के बीच में पकाएंगे तो आप कुछ देर के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई पे या मीडियम में पकाएंगे तो आपको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे मीडियम से लो के बीच में तो आपको घड़ी के टाइम से अगर मैं बताऊँ तो 18 या 20 मिनट या 15 मिनट में कभी कभी लग जाते हैं अगर आप बीच में आँच को तेज करते हैं तो। पर अगर आप लो में ही पकाएंगे तो 18 से 20 मिनट आपको लगेंगे। इसी तरीके से चलाते रहिए और आम की जो पल्प है या प्योरी है उसको गाढ़ा होने तक आपको पकाना है। तो चलिए इसको मिक्स करते रहते हैं। सो आप देख सकते हैं अब बॉईल हो रहा है और धीरे धीरे हमारा जो आम का प्योरी है वो पल्प है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। तो हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे ऐसे ही। सो 15 मिनट चला लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा चेक कर लेती हूँ। मैं थोड़ा मिक्सर स्पून में लिया है, आप देख सकते हैं मिक्सर जो है हमारे स्पून में बहुत ही जल्दी से नीचे नीचे आ रहा है, यानी अभी तक वो ठीक से पका नहीं है। गाढ़ा हुआ है बट पका नहीं है जैसा हमें चाहिए। और आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपका मिक्सर गाढ़ा हो जाएगा, दूसरा आपने जैसे नॉर्मल पल्प इसमें ऐड किया था उससे आपका पल्प जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा, वही परफेक्ट स्टेज है। तो अभी 15 मिनट हुए हैं और 5 मिनट हम इसको चलाते रहेंगे इसी तरीके से। सो कंटिन्यू चलाते रहते आप देख सकते हैं मिक्सर गाढ़ा हो गया है, थोड़ा कम भी हो गया है। अब मैंने इसको स्पून में लिया है और आप देखिए कि मिक्सर आपका बहुत जल्दी से नीचे नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है आपकी आम पापड़ बनाने के लिए। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच से भी कम इलायची का पाउडर। सो मिक्सर पक चुका है, अब मैं एक ले लूँगी एक थाली या प्लेट जिसमें भी आपको आम पापड़ सेट करना है उसमें आप देसी घी लगा के उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि जब हम उसमें आम पापड़ का मिक्सर डालें तो वो बाद में सूखने के बाद ईजिली निकल सके। तो हम अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं घी से। थाली को ग्रीस करने के बाद जल्दी से इसमें आम पापड़ का मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे और थाली को उठा के अच्छे तरीके से इसको पूरी थाली में इवेनली फैला देंगे। ये प्रोसीजर थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आम का मिक्सचर ठंडा होता है वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए आपको ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, फैलाने के बाद 2 दिनों तक धूप में या तो पंखे के नीचे रख देंगे जिससे ये सूख के अच्छे से रेडी हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिनों तक मैंने इसको, एक दिन मैंने इसको धूप में रखा था, एक दिन मैंने पंखे की हवा में रखा था और आप देख सकते हैं हमारा जो आम पापड़ है वो प्रॉपर अच्छे से सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ लेंगे और उसकी हेल्प से इसके कॉर्नर से हम छुड़ा लेंगे और एकदम परफेक्टली हम अपने आम पापड़ को थाली में से रिमूव करेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से, बहुत घाई घाई नहीं करनी है।
सो ये देखिए हमारा आम पापड़ बिल्कुल रेडी है और कितने आसानी से रिमूव हो रहा है थाली में से, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है और कितना ट्रांसपेरेंट और कितना परफेक्ट बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह, लेकिन खाने में है मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी, और वो भी बिना किसी केमिकल और बिना किसी झंझट के, है ना, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। सो अब मैं अपने आम पापड़ को इस थाली में से अच्छे से रिमूव कर लूँगी और अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर लूँगी। सो ये देखिए आप भी इस तरीके से अपने आम पापड़ के पीसेस को कट कर लीजिए। आप इसको बहुत ही प्यारा सा रोल बना के भी रख सकते हैं या फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा रोल बनाऊँगी और थोड़ा इसको पीसेस में कट कर लूँगी। सो ये देखिए हमारे आम पापड़ का रोल कितना ब्यूटीफुल बन के रेडी हो रहा है। इसी तरीके से हम सारे रोल को बना लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि हमारा आम पापड़ कितना परफेक्ट और कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। आ रहा है ना मुँह में पानी, बच्चे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली और एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल, लेकिन मार्केट से काफ़ी हेल्दी क्योंकि आपने इसको घर में बनाया है। तो आप भी इस टेस्टी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिए, बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। और आप इस आम पापड़ को एयरटाइट बॉक्स में भर के महीनों तक फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप सभी को कैसी लगी। और अगर ऐसी ही और भी रेसिपी आप मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ नियति किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। आप हमारे वीडियो ऐसे देखते रहेंगे और नियति किचन से जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के न्यू अमेजिंग और टेस्टी वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।